नमस्कार, आप न्यूज़ फोर निशन देख रहे हैं। आज से पूरे बिहार में स्कूल खोल दी गई है और नवादा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर देख सकते हैं कि 10 महीने के बाद स्कूल खुलने के बाद किस प्रकार के लोगों को एंट्री किया जा रहा है। जो बच्चा मास्क पहन के नहीं आया है उन लोगों को एंट्री पे कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया है। आज सीधा यह तस्वीर हम नवादा की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते थे लोगों के भी घेरा बनाया गया था। कोरोना काल में आज पहली दिन स्कूल खुली है और किस प्रकार से लोगों को बैठाया जाएगा इसके बारे में भी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करें। देख सकते थे ये स्मार्ट क्लास की तस्वीर दिखा रहे हैं जिला के गांधी स्कूल के, जहां पर काफ़ी लोग यहां पर बच्चे लोग हैं। और यहां पर सर क्या पालन करेंगे सर आप लोग कोरोना काल में, किस तरह से आज पहली बार स्कूल खुली है 10 महीने का, क्या कुछ कहेंगे जी? लॉकडाउन के बाद हमारे बच्चों को जितना सिलेबस की पढ़ाई होनी चाहिए वो ऑनलाइन के द्वारा तो दिया जा रहा था, और बिहार राज्य परियोजना निदेशक ने भी बार बार जो वीडियो बनाया था वो भी आप लोग के हम व्हाट्सएप पर भी दे दिया है, आपने पढ़ा भी, समय भी मालूम है आपको। तो ऑनलाइन की पढ़ाई के साथ साथ खुशी की बात है कि सरकार ने 9 से 12 तक के लिए आज से बिल्कुल विधिवत अनुमति दे दी है कि आज से वो ऑफलाइन भी क्लासेस होंगे। इसमें हम लोग ने व्यवस्था किया है कि जो बच्चे आ जाते हैं या 50% में वो आ जाते हैं तो आ जाएंगे, कल वो नहीं आएंगे फिर वो परसों आएंगे, तो अल्टरनेटिव हम लोग व्यवस्था किया है। दूसरी बात है कि क्लास में जब आएँ आप तो सबसे पहले आपका थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगा, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी हम लोग चाहेंगे कि वो आज स्कूल ना आए। जिनकी तबीयत ठीक है बिल्कुल, किसी प्रकार का उनको फीवर या खांसी या सर्दी नहीं है तो बच्चे आए, और SOP का पालन पूरी तरह से हम लोग को करना होगा। आज के आज कितने बच्चे आए, 50% की बात है क्या, आज थोड़ा कम बच्चे आए, कितने बच्चे आज आए? जो है 50% से कम बच्चे हैं, क्योंकि सभी बच्चे को ये आदेश दिया गया है कि अपने जो गार्जियन है उससे एक सहमति पत्र लेकर आना है, और वो सहमति पत्र हमको संग्रह करके अपने पास रखना है। आज आपको मिला सहमति? हाँ, बहुत से सहमति पत्र आ गए हैं और बच्चों ने दिया है, तो सहमति पत्र जिन बच्चों ने नहीं लाया है वो कल जरूर लेकर आएंगे। और बिहार सरकार ने जीविका के माध्यम से आप लोगों को 2 मास्क मैंने मुहैया कराएगी। अभी जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा आज कि आज वो मिलेगा, लेकिन अभी तक हमको स्कूल में तो नहीं आया अभी, लेकिन आते के साथ 2-2 मास्क आप लोग को दे दिया जाएगा। देख रहे थे सर के द्वारा बताया जा रहा था जीविका के द्वारा जो स्कूल में मास्क देना था वो नहीं आया। बाबू कैसा लग रहा है पहला दिन आइए 10 महीने के बाद स्कूल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कोरोना काल में जो गाइडलाइन पालन करने की बात है वो करेंगे आप लोग? हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, सैनिटाइजर हाथ में रखना है, मास्क लगा के आना है, वो सब तो कर ही रहे हैं हम लोग। आफ्टर 10 मंथ तो स्कूल खुला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे बाबू आप? आफ्टर 10 मंथ जब स्कूल खुला तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ते थे तो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे, तो जब ऑफलाइन हुआ है तो कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा हम लोगों को। जो गाइडलाइन है उसका पालन करिएगा ना आप लोग? हाँ ज़रूर, हम लोग पूरे गाइडलाइन का पालन करेंगे। ऐसा नहीं थे हम लोग आए यार आप लोग चेहरा पे मास्क लगाए चले जाए तो मास्क खोल लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना। और भी कुछ युवा के क्या कहेंगे आप? मास्क पहनना बहुत अच्छा है, और मास्क पहनना बहुत बढ़िया है, और अभी खुला है ऑफलाइन तो भी बढ़िया है, जो ऑनलाइन क्लास होता था और कोई नहीं कर पाता। और भी कुछ है क्या कुछ कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन में उतना बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है जितना ऑफलाइन में हो सकता है, ऑफलाइन में ही अच्छा लगता है पढ़ने में लिखने। तो आप देख रहे थे कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो स्कूल बंद हुई थी जिसके बाद लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई, बच्चे लोग का भी यहाँ पर कहना है तो ऑफलाइन में पढ़ाई जो होती है उसमें समझ में आता है और टीचर से सीधा वह डिस्कस करते किसी भी चीज़ को लेके और टीचर भी वो बताते, लेकिन ऑनलाइन में कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ हो रही थी पढ़ाई करने में, जिसके कारण बच्चे भी घर में सही से नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जब ये स्कूल खुले हैं तो चेहरा पर लोगों की खुशी भी है, और लोग ये कहे हैं कि जिस प्रकार से घर से निकले हैं कोरोना काल में मास्क लगाते उसी प्रकार ये स्कूल में भी पढ़ाई करेंगे और चेहरा पर मास्क लगाएंगे और सामाजिक दूरी का भी पालन करेंगे। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की।